हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के स्वरूप, यानी एक एक पॉइंट लेकर हर एक का एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है सीखने की योग्यता। पहला पॉइंट है सीखने की योग्यता। यानी कि बुद्धि के स्वरूप के बारे में सीखने की योग्यता का क्या रोल है। जैसे कि हम अगर सीखते हैं, कुछ भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी नया ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसमें बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिक डियर बर्न, इनका नाम भी हम याद कर सकते हैं, डियर बर्न सरल नाम है, और इनके अकॉर्डिंग है कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्या है, क्षमता है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, ये कथन किसका है, डियर बर्न। यानी बुद्धि के द्वारा हम हर एक चीज़ को जो असंभव रहती है सीखने में, उनको भी हम सीख सकते हैं। किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। यानी कि जब एक बालक जन्म लेता है, जो कुछ भी सीखता है, या जन्म के पहले, जन्म के बाद भी जो कुछ भी वो सीखता है, उसमें अपनी बुद्धि का यूज़ करके ही वह सीखता है। तो सीखने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमें किसी भी चीज़ को समझने में। फिर सेकंड पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता। सेकंड पॉइंट क्या है, समस्या समाधान की योग्यता। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिक रायबर्न RAYBORN, इनका नाम याद करने में आसानी है। एक का नाम है डियर बर्न, जिन्होंने कहा है सीखने की योग्यता के संबंध में कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, और समस्या समाधान की योग्यता दूसरा पॉइंट है, जिसमें रे बर्न ने कहे हैं कि जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, वह बुद्धि ही है। यानी कि अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसका हम समाधान करते हैं, कैसे करते हैं, अपने तर्क चिंतनों द्वारा करते हैं। उसमें हम अपना विचार रखते हैं, मत लेते हैं दूसरों का, तो उन सब में हम निष्कर्ष निकालते हैं, फिर हम किसी भी चीज़ के रिजल्ट यानी परिणाम तक पहुँचते हैं। तो समस्या समाधान की योग्यता, समस्या को हम कैसे समाधान करते हैं, बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा समस्या समाधान की योग्यता आती है। इसके संबंध में रेबर्न ने क्या कहा है, जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, वह बुद्धि है। फिर थर्ड पॉइंट है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता से क्या अभिप्राय है, अमूर्त का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। अमूर्त चीज़ वो होती है जिसको ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम उसका प्रूफ कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसा है। जैसे कि अगर हम कोई विचार हमारे मन में है, तो वो विचार हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ये विचार हमारे मन में है, और ना ही उसको हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम अपने मन में या अपने मन मस्तिष्क में विचार कर सकते हैं। तो अमूर्त चिंतन यानी कि जिसको बिना देखे अपने मन में ही विचार करना। तो इस प्रकार अमूर्त चिंतन की योग्यता में बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण ही भूमिका होती है। इसके संबंध में टर्मैन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहे हैं, टर्मैन ने कहे हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों की चिंतन करने की योग्यता है। जो बुद्धि होती है वो अमूर्त विचारों की चिंतन करने की योग्यता होती है, और जो व्यक्ति होता है वो दो प्रकार से सोच सकता है, या तो वो मूर्त सोचता है या अमूर्त सोचता है। यानी जो अगर वस्तुओं को देखा है, तो देखकर वो अच्छे से उसके बारे में चिंतन मनन कर सकता है, या कभी देखा हुआ है लेकिन उसकी माइंड में अगर स्थायी है, तो वह तब उसे याद करके उसके बारे में डिस्कस या कुछ भी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो ये था अमूर्त चिंतन की योग्यता। फिर फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न विलियम
स्टर्न, विलियम स्टर्न ने कहे हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति की नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है। मतलब कि नई परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य करने की योग्यता है वही बुद्धि है। तो विलियम स्टर्न ने ये कथन कहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि अगर व्यक्ति के सामने कोई नवीन परिस्थितियां आती हैं, नवीन परिस्थितियां वो परिस्थितियां कही जा सकती हैं जैसे कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हुई उससे कुछ विपरीत या उसके उसके कुछ अलग ऐसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो उसमें हम जब ढलने का प्रयत्न करते हैं तो जिस बुद्धि के द्वारा करते हैं, मतलब उसमें हम जब ढलने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें हम बुद्धि का ही यूज करते हैं। हम बुद्धि का यूज करके ही उस परिस्थिति में या उस स्थिति में मतलब ढल जाते हैं। तो कोई अगर जो हमारी परिस्थितियां हैं उसकी विपरीत या कोई भिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विभिन्न है, तो उसमें हमें ढलने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? अपनी बुद्धि के माध्यम से करते हैं। तो विलियम स्टर्न ने क्या कहे हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं चारों पॉइंट कौन कौन से हैं। सीखने की योग्यता फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरा है समस्या समाधान की योग्यता, और फिर उसके बाद थर्ड है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, और फिर फोर्थ है पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, जिसके बारे में विलियम स्टर्न ने कहे हैं कि नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वह जन्मजात होती है। यह जन्मजात क्यों होती है? क्योंकि जो बालक होता है वह अपने बुद्धि का वह बालक जो होता है बुद्धि अपने माता पिता से यानी वंशानुक्रम से ही प्राप्त किया रहता है। बस वातावरण के संपर्क में आने के बाद वह नवीन परिस्थितियों के साथ जैसे कि सीखा मतलब जो कुछ भी सीखता है उससे उसकी बुद्धि और ज़्यादा विकसित होती है, यानी पर्यावरण का बुद्धि पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बुद्धिशाली है, अगर उसका पर्यावरण उसी अकॉर्डिंग अच्छा दिया जाता है तो उसमें वह इम्प्रूव होती है बुद्धि। अगर जैसे कि उसकी बुद्धि अच्छी है लेकिन उसको पर्यावरण या वातावरण ऐसा नहीं मिल पाता है तो उसका ध्यान किसी और क्षेत्र में लग जाता है, यानी बुद्धि उसकी अप्रभावित हो जाती है। तो बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है और इस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है जो सृजनात्मकता के साथ प्रकट होती है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।